एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मायन बतुल। उम्मीद करती हूं मेरी यूट्यूब फैमिली सेफ एंड साउंड होगी, मजे में होगी, जहां कहीं भी होगी। मैं आज जिस वीडियो के ऊपर रैक करने जा रही हूं, एक सजेस्टेड वीडियो जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बार बार कह रहे थे कि आप इस पर रैक करो, मुझे लगा जैसे कि वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनके टाइटल को सर्च किया तो मुझे ये वीडियो सामने आई है, ट्रंप इज़ माई डैड, पाकिस्तानी वुमेन क्लेम ट्रंप इज़ हर फादर, सेलिब्रेट क्रिसमस विद मदर, वन इंडिया न्यूज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से अंदाजा हो रहा है, और वन न्यूज़ इंडियन चैनल है आई थिंक सो, वहाँ ये वीडियो चल रही है। तो शायद ये वीडियो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सजेस्ट भी की है। और ये जो खातून हैं जो ट्रंप साहब को अपने फादर मोहतरम होने का क्लेम कर रही हैं, तो जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा हो रहा है, तो ये कोई मुझे तो कोई इसमें कोई सेंस नहीं लग रही। आई विश के एक सेंसिबल वीडियो हो और इसमें कोई ऑथेंटिसिटी हो, ऑथेंटिकेशन हो, बट चलते हैं और देखते हैं और फिर इस पर अपना रिव्यू देने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के एंड तक बने रहा करो, अपनी राय से ज़रूर रखा करें। नाउ लेट्स चेक द वीडियो। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद, मैं अपनी वालदा लिबाना, शी इज माय मदर, शी इज नॉट केयर माय पर्सनल इशू। डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था, यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी जितनी इल्मा, मैं मुसलमान हूँ। और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं, मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मैं अपनी वालदा लिबाना, शी इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट केयर माई पर्सनली, माई फादर इज़ वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था, यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मज़हर अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मज़हर अब्बास, अपने वापस वालिदा से, वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी जितनी इल्मा, मैं मुसलमान हूँ। और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं, मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मैं अपनी वालदा लिबाना, शी इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट केयर माई पर्सनली, माई फादर इज़ वेरी हार्ड पर्सन एंड नॉट केयर अबाउट माई पर्सनली, पता नहीं क्या। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था, यू आर केयरलेस, यू आर सेंसलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मज़हर अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मज़हर अब्बास, अपने वापस वालिदा से, वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates. मुझे तो ये जो वीडियो है मैंने देखी है, और मुझे पहली बात तो ये कि इसमें कोई सेंस नहीं लगी है। ये बंदी जो है ना, ये मतलब लाइक सच्चाई तो मुझे नहीं दूर दूर, जो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो ये दूर दूर तक मुझे कहीं इसका ओपिनियन जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सेंस है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, या ये कोई मेंटली इलनेस इसकी हो सकती है, चूँकि जो वो एक्सेंट यूज़ कर रही है, अगर जिस तरह के वो बोल रही है कि जब मेरे माँ मेरे
पेरेंट्स की सेपरेशन हुई तो मैं बहुत हर्ट हुई। तो भाई पहली बात तो कि अगर हर्ट होने के लिए आपको इतनी सेंसिबल एज में होना चाहिए, और अगर आप एक सेंसिबल एज में थी जब आपके पेरेंट्स अलग हुए तो वो एक न्यूज़ बन जानी चाहिए थी। अगर न्यूज़ नहीं बनी तब भी आप अगर 7-8 साल का या 10 साल का बच्चा अगर पाकिस्तान आता भी है तो उसके एक्सेंट में और आज यहाँ पाकिस्तान के एक्सेंट में जब हम बोलते हैं बहुत फ़र्क होता है। तो इस बंदी के एक्सेंट में कहीं से दूर दूर तक नहीं लग रहा, इवन के बीच में जो लाइन वो जो बोल रही थी वो भूल चुकी थी, तो कहीं वो मतलब जो उसने लाइन रट्टी हुई थी ना वो उसने बोल दी है। और जहाँ तक बात है कि भई उसकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, तो जो लिवाना नाम है वो भी आई थिंक सो क्रिश्चियन नेम है, बाकी मुझे इतनी डिटेल नहीं पता। लेकिन उसके बाद ये कि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अगर आपके फादर से आप मिलना चाहती हैं ठीक है आप यकीनन मिलें, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये कोई सच्चाई है इस बेस में। और इस मतलब सॉरी टू से मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी सेंसिबल बंदा इस वीडियो को देखेगा ना वो कहीं से भी ये बंदी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की ना कोई शक्ल मिल रही है, ना वो कलर मिल रहा है, ना कोई एक्सेंट मिल रहा है, और ना ही कोई एजुकेशन लेवल मिल रहा है मतलब कहीं से भी। और डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, वो पहले भी प्रेसिडेंट थे, और उससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा जो वो रेसलिंग वगैरह की में जाते तब भी वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। तो अगर उनकी कोई बेटी ऐसी होती जिसकी सेपरेशन होता तो वहाँ का तो लॉ है कि वो अगर सेपरेट भी हो जाए तो वो अपनी बीवियों को उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी शेयर देते हैं, और अपने बच्चों के भी पूरे एक्सपेंस को मतलब वो बियर करते हैं। तो इस बंदी की अपीयरेंस को देख के और जहाँ तक इनके एजुकेशन को लेवल को देख के कहीं से भी नहीं लग रहा, कहीं से भी नहीं लग रहा। और अगर इसमें आप में कोई सदाकत भी होती, जैसे जब जो डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट बने थे तब भी ये बात कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती, और वो जो उनकी मदर है लिवाना वो कहाँ गई, और मैरी क्रिसमस मतलब क्या यार सेंस मतलब कर क्या रही है, मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई एजुकेशन सही जहालत जो है ना वो टपक रही है, और बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, अपना मजाक बनवाना था, न्यूज़ में फेमस होना था, वो फेमस हो गए हैं, आपने एक हाइप क्रिएट कर दी है, और इसके अलावा कुछ दिनों बाद इसको किसी ने याद भी नहीं करना। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन से जिस हद तक एग्री करते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, लेकिन मुझे इस वीडियो में कोई भी सेंस नहीं लगी। खैर जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बार बार कह रहे थे सर मैंने आपके वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आपको बहुत दिलचस्पी थी कि मैं इस वीडियो पर रिएक्ट करूँ। तो खैर मैंने फाइनली इस पर रिएक्ट कर दिया, तो जी मैं नेक्स्ट किस वीडियो पर रिएक्ट करूँ, सो सर काइंडली इट्स रिक्वेस्ट किसी सेंसिबल वीडियो पर सजेस्ट किया करें, ये तो फजूल वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। और ये बंदी जो चाह रही है कि मुझे हाइप मिले और मुझे मतलब मैं न्यूज़ में आऊँ, डोनाल्ड ट्रंप तक मेरा जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी वीडियो देखनी है ना, उसमें मजाक कर उड़ाना है इसका, और कुछ भी नहीं करना उन्होंने इस बात को बॉदर भी नहीं करना जहाँ तक मुझे लगता है, अगर ये बात उनके पास तक पहुंची भी। खैर मेरी राय से जो आप जिस तक एग्री करते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि किसी सेंसिबल वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को सजेस्ट कीजिएगा, इस तरह की यूजलेस वीडियो को सजेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टाइम किसी और टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, हो सके अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।